हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित बड़ो व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, होंडा कंपनी अपनी एक्टिवा 125 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को काफ़ी जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे, लुक्स भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि TVS कंपनी ने कुछ दिन पहले अपने जुपिटर 110cc के अंदर काफ़ी सारे अपडेट्स किए हैं नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के साथ में, जिसके सामने अदर सेगमेंट के जो स्कूटर हैं वो फेल हो चुके हैं। चाहे अपन एक्टिवा 125 की बात करें या एक्टिवा 60 की बात करें, तो भाई होंडा कंपनी कैसे पीछे रह सकती है। होंडा कंपनी भी अपनी एक्टिवा 125 को अपडेट करने वाली है नेक्स्ट जनरेशन लुक्स के साथ में, फीचर्स के साथ में। तो आइए जानते हैं इसके सारी डिटेल्स के बारे में, वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसके लुक्स के बारे में बात करें तो लुक्स आप लोग ही बताइए कि आप लोगों को इसका लुक कैसा लग रहा है, जो कि एक कॉन्सेप्ट मॉडल है दोस्तों। बाकी कलर्स और ग्राफिक्स भी आपको नए देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक्स भी आपको नए वाले मॉडल में देखने को मिल सकते हैं इस बार, और इसमें लाइटिंग सेटअप के अंदर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इंजन की बात करें तो इंजन को रिफाइन करके लॉन्च किया जाएगा। इंजन वगैरह आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, जैसे 125cc का एयर कूलिंग इंजन देखने को मिलेगा। हालांकि जो पावर है वो आपको 8.04 BHP तक की देखने को मिलेगी, और इंजन भी काफ़ी रिफाइन किया जाएगा, जिससे माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम में आपको CBS मिलेगा, यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, और सेफ्टी वाइज आपको साइड स्टैंड कटऑफ सेंसर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इसमें मीटर कंसोल की बात करी जाए तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में बेसिक से इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों, USB चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाओगे। और इसके अलावा अदर फीचर्स में आपको स्मार्ट की देखने को मिल जाएगी। और माइलेज के बारे में बात करें तो लगभग आपको 50 से 55 की MPL तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों, लॉन्च डेट और प्राइजिंग की बात आती है तो इस स्कूटर का प्राइजिंग आपको 1,10,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक देखने को मिलेगा, जो कि ऑन रोड प्राइस इसका रहने वाला है। और लॉन्च की बात करें तो 2025 के स्टार्टिंग में इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है होंडा कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, इस स्कूटर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।